ईश्वर अर्पित जीव ईश्वर को हर हालत में पा लेता है। माँ को जो बच्चे प्यारे लगते हैं, माँ उन्हें अपने से अलग नहीं करती, सदा उनके अंग संग रहती हैं। भले ही उनके कर्म पूरे कराने के लिए उनको दिखती नहीं है, परंतु रहती अंग संग है। बरसों बीत गए, एक बार मैंने कहा था गंगा तट पर हरिद्वार में कि ईश्वर को पाने के लिए जो रास्ता यहाँ से बताया जा रहा है कलयुग में इससे सरल और सहज और कोई रास्ता नहीं है। जो शब्द मैंने उस समय बोले थे वो आज भी पूर्ण उसी तरह सत्य हैं जो उस समय थे। जो रास्ता यहाँ से बताया जा रहा है इससे सरल और कोई रास्ता नहीं है। जो भी प्राणी सच्चे मन से इस रास्ते को अपनाएंगे वो ईश्वर की दया को प्राप्त करके इसी जन्म में ईश्वर में मिलकर एक हो जाएंगे। ईश्वर ईश्वर हैं, वो किसी के हुक्म में नहीं बंधे होते, स्वतंत्र हैं। वो अपनी इच्छा से सब कार्य करते हैं। जो उनके हुक्म में रहते हैं वो तर जाते हैं। जो हुक्म को तोड़ते हैं, उनका अनादर करते हैं, वो रह जाते हैं। ईश्वर की इच्छा को जानना मनुष्य बुद्धि का काम नहीं है। ईश्वर की इच्छा संत जनों और गुरु जनों के द्वारा जानी जा सकती है। संत जनों और गुरु जनों में ईश्वर आप विराजते हैं। ईश्वर का भजन करने से ही ये बात समझ में आ सकती है। ईश्वर अर्पित नहीं हुए तो जीवन व्यर्थ चले गया। जीवन का सफर हल्के से तय करना है। बहुत बोझा लेकर साथ नहीं चलना। जो बहुत बोझा लेकर जीवन का सफर तय करते हैं उन पर भयानक कष्ट आते हैं। जिसने जितना ज़्यादा प्रपंच रचा हुआ है उस पर उतना ही ज़्यादा बोझा है, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ है। जिसको माँ की गोद के सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं उसको बाहर की चीज़ें क्या कहती हैं।